हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज का ब्लॉग भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जाएंगे रोहतांग पास और देखते हैं अगर बना हमारा पास वहाँ पे पास बनता है उसके लिए, जो 550 का है पेट्रोल गाड़ी का और डीजल का 400 रुपया है लगभग। तो अभी हम जाएंगे नीचे, जो ओनर है इस होटल का वो बंदा है बना देता पास, तो उससे बात करेंगे। बाकी वो बोल रहा था कि 2011 का मॉडल लगता है उसका पास नहीं बनता, जो क्योंकि इसकी 10 साल की होती है वैलिडिटी कुछ टाइम, तो अब देखते हैं। बाकी अगर हम वहाँ पे नहीं जा पाए तो आगे कहीं और का प्लान बनाएंगे। बाकी आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं और अभी बंदे उठे ही हैं, 9:30 हो चुके हैं इस टाइम, तो दिखाते हैं आपको यहाँ के व्यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप, बढ़िया। मॉर्निंग हो चुकी है मनाली में। तो आपको यहाँ पे नज़ारे दिखाते हैं। वो मनाली, ये सामने बिजली प्रोडक्शन हो रही है और ये वाह नकल वाया भी दिया है, आंखें खुली भी नहीं अभी। वाह, नज़ारे बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, बट बारिश लगी हुई है अभी, तो देखते हैं इससे आगे। जो रात को गए थे हम यहाँ पे मॉल रोड था जो मनाली का, और देखते हैं क्या बनता है आज का प्लान। तो अभी फ्रेश अप होते फिर उसके बाद आपको अपडेट देते हैं सारा, बाकी इनसे डिस्कस करते हैं क्या करें आज का बाकी है। तो अभी बोल रहे थे पेश ले आते हैं और ब्रेड कप से ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में कॉफ़ी के लिए बोल दिया। बाकी देखते हैं, बाकी नीचे ओनर से बात करते हैं उसके लिए परमिट के लिए, चलो उससे क्या सीन रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम बोरे ब्रश लेने आए थे शॉप के पास और बारिश भी लगी हुई इस टाइम, और रात को एंजॉय किया बढ़िया मज़ेदार। और यहाँ पे देखते हैं, भाई जी से बात तो की थी उनसे जो ओनर थे जिन्होंने पास बनाना था, बोलते हैं कि ऊपर नज़ारे तो नहीं दिख पाएंगे आपको आज क्योंकि धुंध है ऊपर की तरफ रोहतांग की तरफ। तो बाकी दिखाते हैं, इस साइड को जाना है हमने रोहतांग, ये रोहतांग के लिए आगे जाना हमने सीधा इस रास्ते। ये हमारा होटल है, ये हमारे बंदे निकले हुए बाहर। तो ये हमारा सौरभ इन होटल नाम करके, ठीक है। तो गाइस अभी हम कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं और मौसम भी बड़ा मज़ेदार है, तो बाकी आप देखते हैं कहाँ को जाते हैं आगे का ट्रिप रहता है। जो ओनर थे वो बोलते हैं रास्ता ख़राब होना क्योंकि अभी बारिश हो रही है और धुंध भी है, आपको नज़ारे नहीं दिख पाएंगे रोहतांग के। बाकी देखते हैं, अगर वहाँ पे गए तो अभी पास के लिए भी पूछेंगे, और वरना आगे अटल से जाके सीसू लेक और बथेरे जगह है आगे तिलोंग, वहाँ तक जा जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या प्लान रहता है हमारा। तब तक चाय का आनंद लेते हैं और इसके बाद नहाते हैं, फ्रेश अप होते हैं, फिर भागते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी क्योंकि आज बहुत बहुत जगह कवर करनी है हमने, तो देखते हैं टाइम पे हो पाएगी आज के दिन भी, तो मज़ा रहेगा आज का दिन भी। तो गाइस अभी हमारा रोहतांग पास के लिए नहीं बन पाया क्योंकि जो ओनर थे बोलते कि वहाँ पर धुंध भी होनी और फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वैली देखने का वहाँ पर, तो हमने कैंसिल ही किया। अब जाते बोलते कि अटल और सीसू है जगह, तो वहाँ पे जाके वाटरफॉल है बड़ा तगड़ा, लेक भी है, तो वहाँ पे जाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे का कहाँ बनता है किलोंग साइड का। तो गाइस हमारी गाड़ी का अभी टायर पंचर हो गया है, अब देखते हैं रिपेयर कराते हैं उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। जो रोहतांग वाला रास्ता था वो ब्लॉक हो चुका है, अब हम सीसू वाली साइड जाएंगे और अटल टनल और देखते थोड़ा सा आगे तक जाएंगे किलोंग से पीछे पीछे थोड़ा सा। तो अभी पहले टायर ठीक करा लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ मिलेगा टायर, आपको अपडेट देते हैं उसके बाद। तो हमारी टायर पंचर हो गया है, बाकी देखते हैं अभी। शर्मा इज टायर रिपेयरिंग वर्क, गाइस अभी टायर पंचर हो गया हमारी गाड़ी का,
तो पहले लग रहा था कि हवा कम हो गई है बट टायर पंचर हो गया, तो रिपेयर करा के चलेंगे आगे की ओर। तो देते हैं आपका आगे का अपडेट क्या करते हैं और व्यूज़ दिखाते हैं तब तक आपको आगे। तो गाइस ये बस स्टैंड है यहाँ पे, जो बड़ी वॉल्वो सारी बसें लगती हैं यहाँ पे इस साइड से। और कल नकुल भाई का जन्मदिन है, पार्टी। नकुल भाई शक्ल तो दिखाएं यार, यार भाई बड़े नकुल भाई का पार्टी कर लो, आज रात को पार्टी होगी नकुल भाई, मजा आएगा। तो गाइस ये था मॉल रोड को जाने का रास्ता मनाली के, मॉल रोड मॉल होता है, मॉल रोड देख सकते हैं यहाँ क्या विशाल पहाड़ है और धुंध भी है और मजेदार है देखने के लिए नजारे। वाह सेब भी लगे हैं ऊपर साइड, देख सकते हैं लोगों ने लगाए हैं सेब। गाइस अटल टनल यहाँ से 19 किलोमीटर रही, तो वहाँ से सिसु जाएंगे हम, सिसु में वहाँ पे वाटरफॉल है और लेक है, तो वो देखने जाएंगे आज। तो मज़ेदार रहेगा आज का दिन भी, इसके बाद देखते हैं हड़ी माता के मंदिर जाएंगे, तो टाइम लगा वहाँ से तो हड़ी माता के मंदिर जाएंगे। गाइस देख सकते हैं तभी तो बोलते हैं देवभूमि हिमाचल, मौसम तो जबरदस्त है, धुंधी धुंध हुई भी, ठंड भी बहुत जबरदस्त है और लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज्यादा हुए, देख सकते हैं आप हर जगह देख सकते हैं ऊपर सारी जगह लैंडस्लाइड हुए। पहुंचने वाले अटल टनल, पहुंच चुके हैं अटल टनल और देख सकते हैं धुंध भी है और ये है रोहतांग पर से हाँ जाने देंगे। गाइस ये अटल टनल, तो गाइस ये है अटल टनल, तो चलते हैं अंदर। सिग्नल कोई नहीं है यहाँ पे और देखते हैं अभी चेकिंग होती है कि चेक पोस्ट तो है यहाँ पे बाकी। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी की चेकिंग हुई फुल और क्या जाने दिए यहाँ पे चेक पोस्ट है एंटर करने के लिए, तो अब देखते हैं आप टनल दिखाते हैं आपको। गाइस ये स्टार्ट होती है यहाँ से अटल टनल और चलते हैं हम सिसु की तरफ, और ये लगभग कितने किलोमीटर की है, 18 किलोमीटर की है और यहाँ पे लिखा है स्लोपर यहाँ पे लिखा है सारा बारे में। 3 अक्टूबर 2020 से खड़े को कुल्लू ये बनाया है, पूरा यहाँ पे सिस्टम बनाया है। तो गाइस यहाँ पे 40 किलोमीटर की है जो स्पीडोमीटर की, जो आपकी यहाँ पे अपनी यहाँ पे सामने शो भी हो रही है और देख सकते हैं शो भी हो रही है चीज़ें, और देख सकते हैं टनल बड़ी जबरदस्त बनाई है। फर्स्ट टाइम आया, नहीं भाई आप भी सारे, मजेदार है और सब यहाँ के भी नजारे, और ये है व्यू, ओए ओए ये है व्यू, टाइम पूरे इधर व्यू बढ़िया आंधा, ये पूरे साले है। तो गाइज अभी हम अटल टनल के एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं मेरे पीछे व्यू क्या जबरदस्त है और आपको नज़ारे भी दिखाते हैं यहाँ के। तो गाइज यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है। और नकुल भाई कैसा है, मज़ा आया, जबरदस्त। और
तो आपको यहाँ का भी दिखाते हैं आगे से। तो गाइस देख सकते हैं व्यू जबरदस्त है, ये है टनल का लास्ट पॉइंट। तो मतलब टोटल टनल 9 एक साइड की है, 9 एक साइड की है, मतलब 18 किलोमीटर का पूरा आना जाना जो टनल है। और देख सकते क्या वेदर, जबरदस्त मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। तो गाइस देख सकते हैं ब्रिज है, अटल टनल के पास ही है नज़दीक, और यहाँ पे ठंडी बहुत है।